आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, दिया भरोसा, कहा सभी की समस्या का होगा समाधान, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में रेहड़ी पटरी और दवा व्यापारियों के लिए लगे विशेष वैक्सीनेशन शिविर का किया निरीक्षण। लोगों से व्यवस्था की ली जानकारी, कहा टीका लगवाने के बाद और अन्य लोगों को भी करें जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नगर निगम के निर्माणाधीन सदन भवन का किया निरीक्षण। 30 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। सीएसआर फंड से 2 कर्मचारियों को दिया 20 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा संबंधी प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के सांसद विधायकों की बैठक। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सीएससी पीएससी को गोद लेकर क्षेत्र का विकास करने के दिए निर्देश। एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह के एक सदस्य को क्राइम ब्रांच व पीपीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अभियुक्त फरार। एसपी क्राइम ने लोगों से की अपील, कहा एटीएम के प्रयोग के लिए बाहरी व्यक्तियों से ना ले मदद, हो सकता है फ्रॉड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभिन्न संगठन के पदाधिकारी की बैठक। कोविड टीकाकरण के बारे में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में गुरुवार को मिले मात्र 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,211। अब तक 833 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 207 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई नगर निगम के पार्षदों की बैठक। वार्डों के साफ सफाई तथा जल जमाव को दूर करने के दिए निर्देश। विदेश जाने वाले यात्री कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिन के जगह लगवा पाएंगे 28 दिन बाद। स्वास्थ्य विभाग ने दी सुविधा, देना होगा वैध पासपोर्ट और विदेश यात्रा संबंधी जानकारी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश में जुलाई से प्रतिदिन 10 लाख कोरोना के टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लान हुआ तैयार। क्लस्टर बनाकर किया जाएगा टीकाकरण। जनपद में 21 जून से होगा ट्रायल शुरू। 1 जुलाई से वृहद रूप से होगा मोबिलाइजेशन। सीएमओ ने दी जानकारी। बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर। सरयू नदी चेतावनी स्तर से ऊपर, राप्ती नदी भी चेतावनी स्तर के करीब और रोहिणी नदी खतरे के निशान से पहुंची गई ऊपर। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा स्थिति सामान्य, फिर भी अलर्ट जारी। जनपद में जिला अस्पताल सहित कुल 77 केंद्रों पर 10,630 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और शासन के द्वारा लगाया गया कोरोना नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। आवश्यक कार्यों के लिए जाने वालों के अलावा सड़कों पर रहा मिला जुला असर।